हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको साबूदाना की खिचड़ी बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको साबूदाना 3 से 4 घंटे तक भिगो लेना है, बिल्कुल ऐसे खिले खिले साबूदाना हो जाए और भी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, जो मैश करने पर बिल्कुल मैश हो जाए। ऐसा आपको कम से कम 3-4 घंटे साबूदाना को भिगाना पड़ेगा। साबूदाना खिचड़ी के लिए आपको मूँगफली चाहिए, करी पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च और हरी धनिया, आलू, जीरा और देसी घी। पहले आप देसी घी डालकर मूंगफली को फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच और देसी घी ऐड करेंगे। जीरा डालेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। करी पत्ते, बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको बनाएंगे। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है। टमाटर पक जाए तो इसमें आलू उबले हुए आलू डाल देंगे। उसके बाद इसमें आलू दाना ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें नींबू डाल देना है, मूंगफली डाल देना है, उसके बाद आधी नींबू इसमें डाल देनी है। सेंधा नमक व्रत वाला इसमें डालना है। उसको 2 मिनट तक धीमी आंच पे पकाना है।
इसको हरे धनिया से गार्निश कर लेना है।